अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घर खुशबाश होंगे। तो ये वाटर मिलन आ गया था मौसम, तो आज फर्स्ट टाइम हमारे घर आया था वाटर मिलन, क्योंकि आयशा पापा को कह रही थी कि मैंने खाना है खाना है खाना है। तो आयशा और इसके पापा गए थे, फिर लेकर आए थे, बच्चों ने खूब इंजॉय किया जी। मुल्तान में बहुत ही मीठे आए हुए हैं वाटर मिलन। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप व्लॉग फुल वॉच किया करें प्लीज़, इसलिए मैं छोटा सा छोटा व्लॉग बनाती हूँ, ताकि मैं कहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग प्लीज़ मोहब्बत से ये थोड़ी सी वीडियो वॉच किया करें। और ये खतीजा है, खतीजा की तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा रो रही है, तो मुझे किसी ने कहा आप इसकी नज़र उतारें ना। तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप बताना ना सबसे अच्छा तरीका ना नज़र उतारने का बच्चों का क्या होता है। वैसे मुझे किसी ने कहा था फटकड़ी से, तो मैंने फटकड़ी से इसकी नज़र उतारी है। एक बहन मेरी लाइव कॉल में आई थी, वो मुझे बता रही थी ना कि सिस्टर अंडे से ना नज़र उतारें, अंडे से ना बहुत जल्दी उतर जाती है ना, पर उन्होंने ना मुझे ना ठीक से पूरा नहीं बताया अंडे से नज़र उतारने का तरीका। अगर आप में से किसी को पता हो अंडे से नज़र उतारने का तरीका, तो प्लीज़ आप बताना। तो आज मुल्तान में बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, रात से मुल्तान में बारिश थी, और हम लोग जैसे सुबह नींद से उठे तो आसमान में इतने गहरे बादल, काला धुआं आसमान था, बिजली कड़क रही थी और बारिश तेज़, बहुत तेज़ बारिश थी ना। ये पूरा मंजर है 9:30 बजे का। मैं जब सुबह उठी हूँ तो ना मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था, उस टाइम ना मतलब बादल वगैरह थे, बारिश रुकी हुई थी ना, बारिश नहीं थी। तो मैंने कहा चले, पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया आशा का ना, एक मंथ पूरा स्कूल नहीं, ये पाँव ख़राब की वजह से ना, तो मैंने कहा मैं भेजूँ। जब मैंने बच्चों को स्कूल भेजा तो पीछे से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ना, पर स्कूल में बच्चे सेफ़ होते हैं, बस इसलिए तसल्ली थी। तो स्कूल से फिर बच्चे आए थे, तो मैंने जल्द जल्दी बच्चों के लिए ये अंडा वगैरह बना लिया था, ताकि बच्चे नाश्ता कर लें। तो बस ना, क्योंकि फ्राइडे था तो ठीक से नाश्ता नहीं करके गए थे, बस चाय रस वगैरह केक वगैरह खा कर गए थे। फिर मैंने जल्द जल्दी खाना बना लिया था, खाने में मैंने चिकन बनाया था आज सालन में, और बिल्कुल आज सिंपल बनाना था, घी नहीं ज़्यादा यूज़ करना था, क्योंकि बच्चों को भी खांसी थी, पापा को भी, और मुझे भी, आप लोगों को पता है इतनी मुश्किल से मेरा ज़ुकाम ठीक हुआ है, खांसी ना, अब फिर मुझे ना हल्की हल्की खांसी है ना, ज़्यादा घी वाला हमने खाना छोड़ दिया है, तो बिल्कुल लाइट घी में मैंने सालन बनाया था। फिर बच्चों को लेकर जाना था आज पार्क, तो बस ना इसलिए खाना वाना खाकर हम पार्क चले गए थे, हमारे घर के साथ ही था पार्क, मैंने कहा चले बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे। आज फ्राइडे था, बच्चों ने ट्यूशन से भी जल्दी आ गए थे और न्यू कपड़े भी पहने हुए थे। तो बस प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना था। प्लीज़ वीडियो को अगर जिसने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और खतीजे के लिए दुआ करें, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो माशाल्लाह आपको सिराज भी खाने पीने लग गया है। तो ये छोटी छोटी सी मैंने क्लिप बनाई थी पार्क की, तो जो मैंने इनका आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे ही थोड़ी देर के लिए हम पार्क गए थे ना, बच्चों का इंजॉय हो गया था, तो बस मौसम भी बहुत ही सुहाना था बारिश के बाद मुल्तान का। जो जो मुल्तान में रहते हैं तो बताना ना कि वाकई ही मुल्तान का मौसम कैसा है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना अपनी सिस्टर को, आप सब लोग, सब बहन भाई, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है, किसी का दिल अगर अनजाने में दुख जाए तो सॉरी।